नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मैं प्रेमपाल सिंह फिर से लेकर आया हूं आपके लिए GS और GK का प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो आने वाले आपके एग्जाम है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आप सभी क्लासेस प्रॉपर देखते हैं तो इतना हेल्प होगी आपकी, इतना सुधार आपको अपने अंदर दिखेगा, इतना इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर दिखेगा कि वो आप खुद चेक कीजिए कुछ दिन बाद। क्योंकि देखो, थ्योरी को पढ़ना एक अलग चीज है और उस थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो, ये दूसरी चीज हो जाती है। तो हमें स्कोर किस बिहाफ पे मिलेगा? स्कोर हमें मिलेगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट अपनी फर्स्ट डे से ही डेवलप कीजिए। जो आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तैयारी उसी हिसाब से करना है आपको। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो एग्जाम की डिमांड है उस हिसाब से पढ़िए, किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूज अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सेशन। जो विधायिका का सत्र शुरू होता है तो उसके लिए अधिसूचना जारी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यानी कि संसद है दोस्त, संसद। तो संसद के तीन सत्र होते हैं, कौन से? बी, एम और डब्लू। तीन सत्र होते हैं हमारी संसद के। ठीक है, एक सत्र खत्म होने के बाद और जो अगला सत्र शुरू होगा उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। बी का मतलब है बजट सेशन, बजट सत्र। एम का मतलब है मानसून सत्र और बी का मतलब है, डब्ल्यू का मतलब है विंटर यानी कि शीतकालीन, शीतकालीन सत्र। तीन सत्र चलते हैं। तो सत्रों की शुरुआत करने के संबंध में जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, वो कौन जारी करता है, एक बार बता दें फटाफट से, कौन जारी करता है बताओ? तो देखो, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रपति करता है अधिसूचना जारी। क्योंकि एक और चीज मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट के संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार हमारी जो संसद है, हमारी जो संसद है उसके तीन अंग होते हैं, उसके तीन अंग होते हैं। एक को बोलते हैं राज्यसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा, दूसरी को बोलते हैं लोकसभा और तीसरे को बोलते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अहम किरदार होता है इसमें कानून बनाने में। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में कोई विधेयक पास हो जाएगा बिल, और लोकसभा में कोई बिल पास हो जाएगा, फिर लास्ट में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना होते हैं उस पे, सिग्नेचर के बिना कोई भी कानून कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सत्रों की शुरुआत के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एक सत्र पूरा हो गया और दूसरा सत्र शुरू होने में 6 महीने से ज्यादा का गैप हो रहा है, तो वो तुरंत अधिसूचना जारी करेगा और सत्र बुलाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है, यानी कि जो पॉलिटिकल लेजिस्लेचर है, जो जैसे केंद्र में संसद, केंद्र में संसद ये केंद्र की विधायिका है, और राज्य में विधानमंडल, राज्य के अंदर विधानमंडल होता है जो कानून बनाने का काम करता है। तो राज्य में तो विधानमंडल कानून बनाता है और केंद्र में संसद कानून बनाती है,
संसद के तीन अंग होते हैं, अभी हमने पढ़ा राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट। वैसे ही, ठीक वैसे ही विधानमंडल के भी तीन अंग होते हैं, यानी कि विधान परिषद, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्यपाल गवर्नर। ठीक है, तो ये है कि राजनीतिक विधायिका से संबंधित कौन है। तो जिला न्यायाधीश विधायिका से संबंधित है, गलत बात। रक्षा मंत्रालय का सचिव सेक्रेटरी संबंधित है, नहीं। पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी संबंधित है, नहीं। वित्त मंत्री संबंधित है विधायिका से। वित्त मंत्री जो होते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से, किसी कोई भी मंत्री हो उसका संबंध विधायिका से होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी मंत्री बनता है, कोई भी मंत्री बनेगा तो पहले वो या तो लोकसभा का सदस्य होगा, चुनाव जीत कर आया होगा, या राज्यसभा का चुनाव जीत कर आया होगा। तो पहले तो इन दोनों में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ता है उसको। सदस्य जब बन जाता है तब उसे मंत्री बनाया जाता है। तो जब लोकसभा राज्यसभा का वो सदस्य होता है तब तक तो वो क्या कहलाता है? विधायी शक्ति का हिस्सा, विधायिका का हिस्सा। और मंत्री बन जाता है तो वो कार्यपालिका का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन है भारत के अभी? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक की मेंबर है और फिर उन्हें मंत्री बना दिया, तो वो दोनों की सदस्य हो गई, विधायिका की भी कार्यपालिका की भी। तो विधायिका से कौन संबंधित है? मंत्री। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलो अगले सवाल का देखेंगे। थर्ड, निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? संसद को आपको पता है कि अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान ने संसद को, भारत की संसद को यह पावर दी है कि भारत की संसद आवश्यकता पड़ने पर भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि ये जो बदलाव होता है तो निम्नलिखित में से वो किस में वो बदलाव है जिसमें बदलाव करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों की सहमति भी जरूरी है। राज्यों की सहमति मतलब विशेष बहुमत भी, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। तो मूल अधिकार, नए राज्यों का गठन, राज्य विधान परिषद का उन्मूलन और संसद में नियम और क्रियान्वयन के लिए। तीसरे का आंसर बता दो भाई। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में अगर मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में अगर किसी प्रकार का अमेंडमेंट किया जाता है, किसी प्रकार का अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो इस संशोधन बिल को पास करवाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। स्पेशल मेजोरिटी कितनी? 2/3, 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, प्लस 50% राज्यों की सहमति, राज्यों की विधायिका में वो बिल पास होना चाहिए, विधायिका की सहमति। ठीक है, तो 2/3 मेजोरिटी एंड 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। अब आपको पता है 28 राज्य हैं भारत में जहां विधायिका होती है, जहां विधायिका होती है, प्लस 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर विधायिका होती है। 3 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं? दिल्ली, जहां पे मुख्यमंत्री होता है, और पुडुचेरी, पुडुचेरी में मुख्यमंत्री, और जम्मू एंड कश्मीर में मुख्यमंत्री। ये तीनों यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन यहाँ पे विधायिका होती है, यानी कि मुख्यमंत्री होता है। बाकी जो यूनियन टेरिटरी हैं वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑफिसर भेजा जाता है, ऑफिशियल बंदा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, वो शासन चलाता है, वहां चुनाव नहीं होते। इन तीन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा के चुनाव होते हैं। जम्मू कश्मीर में तो अभी हुए हैं,
उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताओ। बड़ा आसान सवाल है ये, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र का संबोधन करता है, यानी कि 2024 में जैसे आम चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव को ही आम चुनाव बोलते हैं, जनरल इलेक्शन। तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद लोकसभा का गठन हुआ, तो जो पहला सत्र होगा, सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसे कौन संबोधित करेगा, राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, है ना। और बी, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का संबोधन, और सी, संसद के प्रत्येक सत्र का संबोधन, यानी कि तीन सत्र होते हैं संसद में, हर सत्र का संबोधन करेंगे, वो शुरुआत करेंगे। और डी है अ और ब, तो ध्यान रखना ए और बी सही है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो संसद का पहला सेशन होता है उसकी शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति अपने भाषण से, और बी, हर साल का जो पहला सेशन होगा उसकी भी शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति अपने भाषण से, हर सेशन की नहीं करते। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, अ और ब। अब देखो, जो राष्ट्रपति होता है दोस्त, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति क्या है, ये कार्यपालिका का भी सदस्य होता है, कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 52 से 62 तक हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति ये कंट्री का नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड नाम मात्र का, और इसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है दोस्त। ठीक है, क्लियर। राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, ये तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोला जाता है, राज्य का प्रथम नागरिक बोला जाता है राज्यपाल को, राज्यपाल को। ठीक है, तो देश के अंदर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलो आगे बात करेंगे, पांचवा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, इस लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जैसे कि अभी कौन है, ओम बिड़ला, अभी अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं अभी। तो सवाल पूछा गया है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, पांचवा प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, अब लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो, तो लोकसभा में ही उनको हटाने का एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, पारित किया जाएगा, और वो भी मेजॉरिटी से, बहुमत से पास किया जाएगा। अगर बहुमत से वो प्रस्ताव पास हो गया तो इनको पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर, चलो अब आपके लिए सवाल है इसी से मिलता हुआ, वो ये है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो इसके बारे में कमेंट करके आपको बताना है। ये लोकसभा में ही होता है, तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा का एक प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ, सदन के सदस्यों के द्वारा पारित किया जाएगा, उसको पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। और लास्ट में फिर सही कौन सा है वो बताना है, सत्य। तो ये जो कथन दिए हैं, एक दो तीन चार, चार कथन दिए हुए हैं। किसके बारे में है ये? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। क्या कहेंगे इसको? भारत का महान्यायवादी, न्यायवादी, ठीक है। आर्टिकल 76, क्लियर। तो पढ़ लेते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दूसरा, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोनों सही है, ये दोनों पॉइंट सही हैं भारत के महान्यायवादी के कंटेस्ट में, पहला और दूसरा। यानी कि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और दूसरा महान्यायवादी बनने के लिए या भारत का महान्यायवादी के पद पर वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी योग्यता क्या हो, जिसकी योग्यता ठीक वैसी हो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए जो योग्यता होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की जो योग्यता होती है वो क्या होती है? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन। दूसरा, कम से कम पांच साल किसी भी हाई कोर्ट में जज का अनुभव हो उसको, या अथवा 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में वकील, लॉयर, एडवोकेट रह चुका हो, तो ये योग्यता होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। तीसरा, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दो सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों में से किसी एक का मेंबर होना चाहिए उसको, गलत बात है, ये नहीं होगा। चौथा, ही कैन बी रिमूव्ड बाई इम्पीचमेंट, ये महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाता है, बिल्कुल नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर और जजेस पर लागू होती है, ठीक है। तो ये भी गलत है, पहला और दूसरा सही है, यानी कि ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। सातवां प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, जवाबदेही तय होती है, तो बिल्कुल गलत है। संसद के प्रति नहीं, केवल लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, केंद्र की, मंत्रिपरिषद की, तो ये गलत है, हो गया। करेक्ट ही बताना है ना आपको, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा पढ़िए, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केंद्र में जो मंत्री है वो तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे, और राष्ट्रपति कब तक चाहेगा? जब तक बहुमत है सरकार को, नहीं तो हटा देगा, तो ये सही है। दूसरा, तीसरा, प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेचर, जो प्रधानमंत्री हैं भारत के वो राष्ट्रपति से वार्ता करते रहते हैं हर समय, कानून बनाने से संबंधित, लेजिस्लेशन से संबंधित, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा आंसर, सातवें का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा, ठीक है दोस्त, दूसरा और तीसरा, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, उसका आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। क्वेश्चन पढ़िए, हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देख लीजिए आप, इंडिया में एलपीजी सुधार, इंडिया में एलपीजी सुधार कब आए? 1991। और एलपीजी में एल का मतलब है उदारीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो
इन सुधारों को लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्यों क्यों जाता है? तो देखो, जब एलपीजी सुधार आए भारत में तो प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव और इन्हीं के साथ जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, वो कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह थे। तो ये मनमोहन सिंह अपने समय में अर्थशास्त्र, वैसे इनका प्रोफेशन अर्थशास्त्री है, ये इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, देख पा रहे हैं आप, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। और एक और चीज, हाल ही में देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जारी हुई है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024। तो ये 127 देशों को शामिल करके ये सूचकांक जारी हुआ है, इसमें 127 में से भारत का स्थान 105वां है 2024 में, ठीक है। कमाल की बात ये है कि 2014 में जब GHI 2014 जारी हुई थी तो 2014 में भारत की रैंक कितनी थी? 55, ठीक है, लेकिन अब 105, तो स्थिति बहुत खराब हो गई है, यानी कि भूखे बहुत हैं भारत में। 2014 में मनमोहन सिंह थे और मोदी जी आए थे, मनमोहन सिंह जा रहे थे, तब ये स्थिति थी भारत की, अब ये स्थिति है। तो वो अर्थशास्त्री थे, वो चीजों को ध्यान में रख के काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना है, सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए जो वर्तमान सरकार है, ठीक है दोस्त। चलो नवा प्रश्न, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। देखो, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए एक कॉलेज बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज, इसे आप समूह कीजिए, समूह कहिए, ग्रुप। इस समूह के जो सदस्य हैं वही वोट देने का काम करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो सवाल ये पूछा है कि इस समूह के सदस्य होते कौन है? तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, गलत। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, गलत। सी, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गलत। डी सही होगा आंसर, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर और साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं के भी सभी इलेक्टेड मेंबर, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित एमपी सांसद और प्लस विधानसभाओं, जो राज्य के अंदर विधानसभा होती हैं, उनके एमएलए, ये सब वोट देते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो डी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट, डी आंसर होगा इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल मान लो 5 साल है, क्या 5 साल से पहले भी लोकसभा को खत्म किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है? तो कैसे कैसे किया जाएगा? तो ध्यान रखना, लोकसभा को 5 साल से पहले राष्ट्रपति डिसॉल्व कर सकते हैं, और राष्ट्रपति ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, राष्ट्रपति को जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है वो सलाह देगी तो वो कर देंगे। तो सी आंसर हो जाएगा, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको, और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपके साथ, आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा अपने अंदर। ऐसे ही हमारे साथ लगातार डेली बने रहिए। टाइम टेबल में फिर से आपको बता देता हूं, सोमवार से लेकर शनिवार तक रात 8 बजे डेली क्लास होती है ये, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें हम पूरे 1 साल के करंट अफेयर बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये जो क्लास करंट अफेयर की शुरू हुई है आपकी, ये हर रविवार को होती है, रविवार को 8 बजे होती है रात को।
तो इस क्लास में हम पूरे साल के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अभी सिर्फ दो क्लास हुई हैं करंट अफेयर में, तीसरी क्लास आने वाले संडे को है। तो हम पूरी करंट अफेयर एक साल का हम इसमें कवर करेंगे, चाहे जितनी भी क्लास हो जाए, ठीक है। और ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम में आते ही आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जीएस प्रैक्टिस क्लास सोमवार से शनिवार 8 बजे और करंट की जो क्लास है करंट अफेयर की वो रात को 8 बजे केवल संडे को, ठीक है। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।